सोलन में पीजी कॉलेज के समाज शास्त्र प्राध्यापक ने विद्यार्थी को थप्पड़ मार दिया। विद्यार्थी के परिजनों ने प्रधानाचार्य से इसकी लिखित शिकायत भी की है। उनका कहना है कि प्रोफेसर ने बेवजह विद्यार्थी को थप्पड़ मारा है, जिससे वे बेहद आहत हैं। उन्होंने शिकायत के माध्यम से मांग की है कि प्रोफेसर के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटना को कोई अंजाम ना दे सके। शिकायत मिलने के बाद प्रधानाचार्य ने आपात बैठक बुलाई और सभी प्रोफेसर को बुलाकर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। प्रधानाचार्य ने इस घटना को लेकर दोषी प्रोफेसर से भी आवश्यक पूछताछ की है। रोष प्रकट करते हुए पीजी कॉलेज के विद्यार्थी करण और उनके पिताजी ने बताया कि उन्हें बिना वजह कॉलेज के प्रोफेसर द्वारा चांटा मारा गया, जिसकी वजह से वे मानसिक रूप से परेशान हो गए हैं। यहाँ तक कि उनकी बीपी भी बढ़ गया था, चिकित्सक की दवाई लेनी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि प्रोफेसर पहले भी कई विद्यार्थियों के साथ ऐसा बर्ताव कर चुके हैं, लेकिन किसी भी विद्यार्थी ने उनके खिलाफ शिकायत नहीं की, लेकिन अब वे बर्दाश्त से बाहर हो चुके हैं, इसलिए उन्होंने इस घटना की शिकायत प्रधानाचार्य से की है, ताकि वे तथा अन्य किसी भी छात्र के साथ इस तरह की घटना दोबारा पेश ना आए। उन्होंने प्राध्यापक पर आरोप लगाया है कि उनके इस व्यवहार के कारण पहले भी कई छात्र अपना विषय बदल चुके हैं। मेरा शिकायत करने का रीज़न यही है कि जिस तरह से मैं क्लास में असाइनमेंट लेके गया, तो उन्होंने वहाँ पे एक छोटी सी अटेंडेंस के चक्कर में विदाउट रीज़न ही उन्होंने मेरे मुंह पे स्लैप कर दिया। क्यों? सिर्फ ये मेरा कुछ रीज़न सुने बिना, बिना कुछ बात सुने बिना उन्होंने मेरे को स्लैप कर दिया। और सबसे बड़ी बात, जितने भी टीचर्स हैं वो सब अपने अटेंडेंस शीट लाकर रजिस्टर में अटेंडेंस लेते हैं, लेकिन वो एक शीट का एक्सक्यूज करके सब बच्चों को बोले। और उन्होंने मेरे साथ ही नहीं बल्कि पता नहीं कितने बच्चों को उन्होंने इस तरह से नॉनसेंस ट्रीट किया है, बट वो इसलिए चुप थे कि उनके पास कोई पावर नहीं थी। सर, रीज़न यही है कि वो शायद इसलिए इग्नोर करके कि चलो हमारा लास्ट ईयर है, लास्ट ईयर है। लेकिन सर, आज तो मेरे साथ हुआ, लेकिन कल और बच्चों के साथ होगा तो क्या होगा? दो दिन हो गए, दो दिन से मैं सो नहीं पाया। क्यों? रीज़न यही है सर, टेंशन थी। फर्स्ट डे तो मैं इसलिए शांत रहा क्योंकि चलो मैंने सोचा कि सॉल्व हो जाएगा, लेकिन जब मेरे को लगा भी नहीं ये ऐसे नहीं सॉल्व होगा, तो मैंने घर में पेरेंट्स को बताया, मम्मी को बताया, पापा को बताया, तो उसी वजह से आज ये रीज़न हमारे को पड़ा। तो अभी जो प्रिंसिपल ने क्या बोला था? प्रिंसिपल मैम ने ये बोला कि जैसे आप लोग प्रिंसिपल, उन्होंने कहा कि इस बारे में हम एक्शन करेंगे, और उन्होंने जो इसलिए मीटिंग भी रखी है, सारा कुछ है, और उन्होंने कहा कि ये बहुत गलत बात है, बच्चों को पढ़ाने के लिए बोलना ठीक है, और अपने जो भी कोई भी प्रॉब्लम है अपने पेरेंट्स को बताना बहुत ज़रूरी है, ये सब कुछ ठीक है, लेकिन जो इतनी बड़ी गलती ये कर रहा है, नॉनसेंस जो इनोसेंट बच्चों के साथ ऐसे इन्होंने ट्रीट किया, ये बहुत गलत बात है। और ये आज इन्होंने पता नहीं कितने बार कितने बच्चों के साथ किया, इसी डर से कुछ बच्चों ने तो सब्जेक्ट भी चेंज कर दिए थे। सर, मांग यही करते हैं कि चलो अब ये अभी मार को कुछ नहीं चाहिए। सर, अब देखो पढ़ाई वगैरह तो सर सबकी एक जैसी तो नहीं होती है, अलग अलग होती है, लेकिन ये है कि सर बस इसमें इंसाफ चाहिए, ये या फिर इंसान सुधर जाए या फिर कुछ, मतलब बस सुधरा हुआ चाहिए। जो ट्रीट मेरे साथ हो रहा हो कल को और बच्चों के साथ नहीं होना चाहिए। सर, ऐसा है, ये मेरे बेटे के साथ जो हुआ है ये गलत हुआ है, क्योंकि ये जो है इसको जो मारा गया है, कोई चंदन चौहान के नाम से टीचर है, उन्होंने मारा है इसको। किस कारण से मारा है, क्यों मारा है, ये इसके बारे में उनको बताना पड़ेगा, क्योंकि कोई गलती हो तो ऐसा इसके बारे में मार नहीं सकते हैं। तो टीचर को जो है अच्छा व्यवहार करना चाहिए बच्चों के साथ, और इस तरह से जब बड़े बच्चे हो जाते हैं तो मारपीट नहीं होनी चाहिए। कॉलेज के प्रधानाचार्य नर्मदा टिंकू ने बताया कि उन्हें जैसे ही इस घटना की शिकायत मिली उन्होंने तुरंत कार्रवाई अमल में लाई है। कॉलेज में सभी प्राध्यापकों की आपात बैठक बुलाई गई। बैठक में दोषी समाजशास्त्र के प्राध्यापक को भी बुलाया गया था, जिन्होंने अपनी गलती को भी मान लिया है और वे काफ़ी शर्मिंदा हैं। उन्होंने कहा कि प्राध्यापक को नोटिस जारी करके उनसे लिखित में इसका जवाब मांगा गया है। उन्होंने कहा कि गुरु और शिष्य का रिश्ता बहुत मधुर होना चाहिए, लेकिन अगर कोई प्राध्यापक इस तरह का व्यवहार विद्यार्थी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने के लिए करता है, तो वे इस व्यवहार को बर्दाश्त नहीं करेंगी। इनफैक्ट आज सुबह जब मैं ऑफिस आई तो एक हमारा छात्र है सिक्स सेमेस्टर का, जो कि उसके साथ उसके पिताजी भी थे,
तो वो दोनों आए और उन्होंने मुझे बताया कि 31 तारीख को उनके बेटे के साथ जो है उन्होंने कहा कि तथाकथित एक प्राध्यापक द्वारा जो है कुछ मिसबिहेव किया गया है, तो उसकी उन्होंने मुझे रिटर्न कंप्लेंट दी और जिसको कि मैंने इमीडिएटली जो है अपनी एडवाइजरी और हमारा कॉलेज का जो ग्रीवेंस रिड्रेसल सेल जो होता है उसकी मैंने मीटिंग बुलाई और जो हमारे जो प्राध्यापक हैं समाजशास्त्र के उनको भी बुलाया जिनके बारे में कहा गया था उनको भी बुलाया और पूरी जानकारी इसके बारे में जो है मैंने ली। बैठक में जो है उन टीचर ने ये कहा कि उनसे जो है गलती हुई है और वो जो है माफ़ी मांगने के लिए भी तैयार है और फिर जो है हमने उनके पिताजी से भी बात की, तो क्योंकि ऐसा है कि गलती तो हुई है लेकिन ये है कि क्योंकि छात्र और शिक्षक का रिश्ता जो है शिक्षक की ये ड्यूटी भी है कि वो छात्रों को जो है सुमार्ग पे चलाएं, उनको अच्छी एडवाइस दें, लेकिन ये मैं भी मानती हूँ कि किसी भी तरह की जैसे हम सबको मालूम है कि किसी भी तरह की कॉर्पोरल पनिशमेंट जो है दैट इज़ एन ऑफेंस, तो वो तो कभी भी सहन नहीं की जाएगी। तो फिर हमने उनके पिताजी से भी बात की जो बच्चा है और उस बच्चे से भी बात की, तो उन्होंने कहा कि अगर ये शिक्षक अपनी गलती मानते हैं तो हम कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हैं। तो फिर सबके दोनों के पार्टीज के बीच में बैठ के जो कॉम्प्रोमाइज़ करवा लिया गया। लिखित में कॉम्प्रोमाइज़ ऐसा है कि उन्होंने जो है कॉम्प्रोमाइज़ में उन्होंने ही इज़ अपोलोजाइज्ड, लेकिन जहाँ तक लिखित की बात है तो मैं उनका जो है एक्सप्लेनेशन कॉल कर रही हूँ उस एप्लीकेशन को संज्ञान में लेते हुए और मैं उनसे रिटर्न जो है अपने टीचर से मैं उनसे वो उनसे एक्सप्लेनेशन लूँगी। मेरे सामने ये पहली बार हुआ है, मैं इस तरह की कोई भी बिहेवियर जो है मैं उसको बिल्कुल भी सहन नहीं करूँगी। हमारे जो छात्र हैं वो इंटेलिजेंट हैं, एवरेज हैं, पढ़ने में अच्छे हैं नहीं हैं वो अलग बात है, लेकिन हर छात्र का अपनी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उसका हनन मैं नहीं होने दूंगी। मेरे सामने जो पहली बार ये हुआ तो मैंने तो इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है, पहले के बारे में मैं कमेंट नहीं कर सकती हूँ।